जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया। आतंकवाद जितना खतरनाक है, उससे भी खतरनाक है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच बनाया गया आर्टिफिशियल भेद। भारत 40 साल से लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार हुआ है। हजारों लोग हमारे निर्दोष मारे गए हैं। 9/11 के बाद दुनिया को पता चला कि आतंकवाद कितना भयंकर है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका अपना कोई देश नहीं है, वो जहां भी मानवता है आतंकवाद जाकर के मानवता को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। ऐसी स्थिति में समय की मांग है कि हम स्पेसिफिक घटनाओं की चर्चा से ऊपर उठ करके आतंकवाद ये मानवता का भयंकर दुश्मन है, ये मानवता को नष्ट करेगा, मानवतावादी सभी शक्तियों ने एकत्र आकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, तभी जाकर के इतने बड़े भयंकर संकट से हम मानवता को बचा पाएंगे। दुनिया के सभी देशों को चिट्ठी लिखी है और मैंने कहा है कि समय की मांग है कि ये ने तय करें कि ये चीजें हैं जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, ये लोग हैं जिसको हम टेररिज्म के मददगार मानते हैं, ये लोग हैं जिनको मानवतावादी कहते हैं। दुनिया के सामने नक्शा क्लियर होना चाहिए, कौन टेररिस्ट है, कौन मानवतावादी है, कौन टेररिस्ट के साथ खड़ा है, कौन मानवता के साथ खड़ा है, ये विश्व में तय हो जाना चाहिए। एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। और ये परिभाषा न होने के कारण एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म चल रहा है। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म टेररिज्म होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है।